सुप्रभात। आज मैं कक्षा दसवीं के बच्चों के लिए माता का अंचल पाठ लेकर उपस्थित हूँ। बच्चे, कृतिका में आप लोगों को तीन पाठ पढ़ना है। एक माता का अंचल, दूसरा यौर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। ये तीन पाठ आप लोगों को कृतिका में पढ़ना है, जिससे 6 अंक का आपका प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न रहेंगे, 3-3 अंक के रहेंगे। इसके लिए आपको अच्छा से ध्यान देकर सुनोगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी है माता कंचन, जिसका आनंद तुम लोग ले नहीं पाए हो। गांव में के बच्चों का झुंड है, कैसे खेलते थे, बाग बगीचे में दौड़ते थे, वो सब का बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया गया है इस कहानी में। इसलिए ये लंबी कहानी है, मैं 2-3 पार्ट में इसके करके पढ़ाऊंगी, लेकिन पूरा तुम लोग अच्छा से इसको समझोगे। ये कहानी पूरा देहाती गांव ग्राम्य जीवन का है। गांव में कैसे बच्चे रहते हैं, खेलते हैं, कोई कृत्रिम खिलौना नहीं, घर के ही टूटे फूटे अनुपयोगी चीजों को ही बहुत सुंदर खिलौना बना करके इन लोग खेलते थे, उसका आनंद लेते थे। तो इसके रचनाकार हैं कौन? माता का अंचल पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचनाकार हैं श्री पूजन सहाय। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के भोजपुर जिला के उनवास गांव में। कब? 1893 में। इनका बचपन का नाम था भोलानाथ। और इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और वे फिर बनारस चले आए, वहाँ कचहरी में काम करने लगे। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बने और असहयोग आंदोलन से प्रभावित होने पर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और 1963 में उनका देहांत हो गया। ये अपने युग के प्रसिद्ध लेखक और सम्मानित व्यक्ति थे। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका मतवाला के संपादक मंडली में से एक ये भी थे। ये मूलतः उपन्यासकार थे। उनका देहाती दुनिया उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। समझे ना, आंचलिक उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का है, उसकी भाषा, उसके रीति रिवाज, उसके वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, सब कुछ को शब्दों के माध्यम से अंकित कर देना आंचलिक कहलाता है। तो आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति, शेष आदि उनकी अन्य प्रमुख गद्य कृतियां हैं। उनकी समस्त रचनाएं श्री पूजन रचनावली में संकलित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग जनसाधारण की भाषा में मिल जाते हैं। देखो, यहाँ भी वही चीज है, लोक जीवन देखने को मिलेगा, लोक जनसाधारण की, लोक जीवन, लोक संस्कृति देखने को मिलेगा, आम आदमी के बीच की बात देखने को मिलेगी। तो लेखक श्री पूजन सहाय की यह कहानी भी आपको जो है किससे लिया गया है? माता का अंचल पाठ उपन्यास देहाती दुनिया का ही एक अंश है। श्री पूजन सहाय की देहाती दुनिया का ही एक अंश है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक मतलब समझे ना, उस सीमित क्षेत्र का, कस्बा का, गांव का, इलाका का, पूरे रीति रिवाज, संस्कृति, वेशभूषा, आचार विचार, सबको उसी रूप में हूबहू वर्णन कर देना, शब्दों के माध्यम से चित्र खींच लेना, हाँ, फोटो खींचना, आंचलिकता कहलाता, सब कुछ वही दिखाना। तो ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस पाठ का मुख्य पात्र भोलानाथ है, जो एक ग्रामीण बालक है। इसमें लेखक ने आंचलिक शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है, तुकबंदी वगैरह मिला दिखाया है। यह आत्मकथात्मक शैली में रचा गया, लेखक अपने बचपन को याद करके बतला रहा है। इसमें बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार
आदि का सुंदर चित्रण है। इस प्रकार बाल मनोभाव व तात्कालिक पारिवारिक परिवेश का भी यथार्थ परक चित्रण है। मैं इसको अच्छी तरह से तुम लोगों को पूरा पढ़ाऊंगी, बहुत आनंद लोगे इसका, सार भी बतला सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी तुकबंदियां हैं जिसका आनंद आपको उठाना है कि माता का अंचल पाठ में क्या क्या ऐसी चीज दिखाई गई है। ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी इसमें प्रस्तुत की गई है। बच्चे ध्यान से सुनोगे, देखो शुरू में ही क्या दिया है, तुकबंदी मिला करके, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़के बच्चे हों, छोटे उम्र वाले बच्चे हों, मनचले बच्चे हों, तो वहाँ बाजे मृदंग, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उससे आनंद मिलता है बजा करके, तो वहाँ पर आनंद का ही आनंद ही आनंद है जहाँ बच्चों का संग है। और जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चों का तंग है, जहाँ बुढ़े लोग हैं तो बस कैसे घर चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये इधर उधर की चिंताएं, चिंता से जुड़ी बातें होती है उनकी। हमारे पिता, अब देखो लेखक के पिता, तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, उन्हीं के साथ रहते थे, पिता के साथ ही रहते थे लेखक। लेखक का नाम क्या है? श्री पूजन साह। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। तो माता से क्या नाता था? केवल दूध पीने तक का। अब पूरा समय वो पिता या अपनी मित्र मंडली के साथ बिताते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते, साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। कौन? पिताजी। न हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वो हमारे थोड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड तीन कोनों का जो तिलक होता है वो लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। तीन रेखाओं का त्रिपुंड तिलक होता है। सीज में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बम बोला, बाल लंबी थी, जटाएं बनी हुई थी, तो भभूत लगाने के बाद कैसे लगते थे? बम भोला जैसे बन जाते थे। देखो पिता के पास भी कितना समय कि अपने बच्चों को समय देते थे, पूजा पास बैठाते थे, तिलक लगा दिए। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पिताजी उन्हें क्या पुकारा करते थे? भोलानाथ। जैसा चेहरा लगता था, नादान भोला भाला, तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ। लेखक का असली नाम क्या था? श्री पूजन सहाय का असली नाम क्या था? तारकेश्वरनाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, माता को मैया, मैया समझ रही हो ना, माता को मैया कह करके पुकारते थे। कौन? लेखक। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। देखो बच्चे बच्चे कितना आनंद उठाते थे माता पिता के साथ। उस समय फुर्सत भी होता था, पिता भी बच्चों के लिए बहुत समय देते थे, है ना। तो देखो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। देखो पहले के लोग किस प्रकार का पूजा पाठ पर भी रुझान होता था। अपनी एक राम नामा वही पर हजार राम नाम, राम नामा वही मिलता था समझे ना, उस पर पूजा करने के बाद राम नाम लिखा जाता था। हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। देखो ये जीवों के प्रति भी प्रेम भाव दिखाया जा रहा है इसमें, समझ रहे हो ना, जीवों के प्रति भी प्रेम भाव है यहाँ पर। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा कर झूला झुलाते थे। देखो ये आटे की गोलियों में भी राम नाम लिख करके वो उन्हें देते थे, तो जीवों को भी चारा मिल गया
और पूजा के प्रति भी जो रुझान है, राममय वातावरण बना देना, वो उनमें देखने को मिला लेखक के पिता में, समझ रहे हो। और रास्ते भर वो आनंद उठाते थे क्योंकि पिता के कंधों पर बैठे रहते हैं, और पिता जब लौट करके उधर से आते गंगा से तो बीच में कहीं पेड़ की डाल झुकी मिलती, उसमें बैठा करके झूला भी बच्चे को झुलाते, यानी लेखक को उसमें झुला करके उसका आनंद दिलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, देखो बच्चों को उत्साहित करने के लिए। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, वो ढीला पड़ जाते थे जानबूझकर, ताकि बच्चे का हौसला बढ़े, वह मुझे परास्त कर दिया, या उत्तान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। पिताजी उत्तान सीधा लेट जाते थे और लेखक क्या करते थे, उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो ये वात्सल्य प्रेम देख रहे हो ना, बच्चे और पिता का यहाँ प्रेम देख रहे हैं। फिर जब हमने खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। यह सब संयुक्त परिवार में और पहले देखने को मिलता था, आजकल यह देखने को नहीं मिलता। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, समझे। तो पिता और बच्चे के बीच में, छोटे बच्चे के बीच में, बेटे के बीच में किस प्रकार का खेल होता था, कैसे इसका आनंद लेते थे, उसका बड़ी बारीकी से लेखक ने वर्णन किया है। अपने अनुभवों को उन्होंने बड़ी बारीकी से दिखाया है बचपन का। हाँ, उसके बाद सुनोगे, उनके साथ हंसते खेलते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। पिता के साथ वो भी चौके पर रसोई घर में खाने के लिए बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। अपने ही हाथ से फूल, फूल कांसा का बर्तन को कहते हैं, कांसा एक धातु है, कांसे के बर्तन को कहते हैं। फूल के कटोरे में गोरस, गोरस दूध को कहते हैं, और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, पूरा पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। माँ का प्यार बड़ा ही अंधा प्यार होता है, उसे लगता ही नहीं बच्चा कितना भी खाए, लगता है बच्चा बहुत कम खाया है। वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने में पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, बड़ा बड़ा कौर। आजकल की माताएं क्या करती, चम्मच से देती है खाने के लिए। देखो कम ही खाने में पेट भर गया तो फिर दोबारा नहीं, ज्यादा नहीं दो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन पहले के समय में देखो बच्चों को माँ किस तरह से खिलाती थी, भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर, समझ रहे हो, तब ठिकाना उसको मिलेगा दुनिया में, वह ठीक से रह पाएगा, ऐसी माँ की माँ का मानना था। देखिए मैं खिलाती हूँ, पिताजी से वो कहती हैं, देखिए मैं बच्चे को खिलाती हूँ, मर्द वे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मर्द जाति के लोग पुरुष वर्ग कैसे क्या जानेंगे बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। यह कहवा थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखो बच्चों को फुसला कर कैसे खिलाया जाता है।
हो सकता है कुछ बच्चे देखे भी होंगे, माता पिता ऐसे माँ ऐसे करके खिलाती होंगी, जो बच्चा खाने में नखरा करता है उसके सामने माँ को बहुत तरीका अपनाना पड़ता है बच्चों को खिलाने के लिए। तो क्या कोर को सब कोर को हर कोर में कुछ नाम रख देती थी, ये चिड़िया है, कबूतर है, मैना है, और बोलती कि जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएगा। और बच्चे भी बच्चा तो बच्चा वो समझता, वह भी सोचता था नहीं मैं उड़ने नहीं दूंगा, और गप मुंह में वह उसे मार लेता था, खा लेता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जानते हो जहाँ बच्चे एक घर में जैसे संयुक्त परिवार में जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ बच्चों को खाना देने के साथ ही माताएं, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब जो रही सब कहती थी, देखो भाई कौन राजा होगा, किसका जल्दी थाली का खाना खत्म होगा। तो बच्चे छोड़ते नहीं थे, जल्दी जल्दी खाने में लग जाते थे। तो ऐसे बच्चों को खिलाया जाता था पहले, पर तुम लोग इसका आनंद उठा पाए हो या नहीं, बड़ा ही मजा लग रहा होगा इस कहानी को सुन करके, अच्छा लग रहा होगा ना कि किस प्रकार से बच्चों को खिलाती थी माताएं। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। आज बच्चे घर की चार दीवारी में कैद है, घर के अंदर ही खेलते हैं, और उस समय बच्चों का पूरा मोहल्ला, पूरी गली ही अपना घर था। हर जगह निकल जाता था, कपड़ा किस प्रकार का पहना है उसका भी ध्यान नहीं, किसी भी तरह वह खेलने के लिए निकल गया। वैसे थे पहले के बच्चे, गांव में खेल का आनंद लेते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। आज बच्चों को ऐसा मां नहीं देती है, उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना। तो उस समय क्या था, ये सब का ख्याल नहीं, बस चुल्लू भर पूरा हाथ से तेल भर के दे देती थी माथा पर। हम रोने लगते, बाबू जिस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। पिताजी भी गुस्साते, क्यों रुला रही हूं इतना तेल देकर के, लेकिन वह तेल देकर ही दम लेती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गोड़ती, काजल की बिंदी कहीं मेरे बच्चे को बुरी नजर ना लग जाए, तो काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथती, क्योंकि बाल बड़े थे लेखक के बचपन में, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रिबन लगा देती थी, फीता से बांध देती थी, रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, फीता से बांध देती थी चोटी और फूल बना देती थी और कुर्ता टोपी पहना देती थी, जिससे वो कैसे लगने लगते थे, खासी कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, क्योंकि बाल में जटा होता था, बाल को झाड़ने में भी बच्चे नहीं देते हैं, और माताएं किसी भी तरह से बाल झाड़कर चोटी बना देती हैं ताकि बाल ठीक रहे, और बच्चा तो रोना शुरू कर देता है। जब पूरी तरह से तैयार कर देती थी तब वह पिता की गोद में जाते थे, पिता की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। ये ना बच्चों की कल्पना, बच्चों का हार्ट, बच्चों का रोना सब क्षणिक है, समझ रहे हो ना, तुरंत में भूल जाएंगे। अब देखो रोते रोते वो आ रहे थे, लेकिन अपनी मित्र मंडली को देखकर खेल की खुशी में वह सिसकना भूल गए। ऐसे होते हैं बच्चे, निश्चल निर्मल, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। आज के बच्चे ऐसा खेल नहीं खेलते हैं। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, वही स्टेज बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर
कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, सभी काल्पनिक दुकानें बन जाती थीं, समझ रहे हो। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियां, देखो क्या क्या खिलौना था उन लोगों का, सभी गांव के ही पेड़ पौधों से प्रकृति से जुड़े हुए सामान ही और टूटे फूटे सामान ही। गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, खपरेल जो होता है उसका फटा हुआ टुकड़ा, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, है ना, पेपर का। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे उन लोगों से, वो जस्ते वाले पेपर ले लेते थे, यानी बाबूजी भी बच्चों के खेल में शामिल थे। लेखक के पिताजी भी उन लोगों बच्चों के खेलों का आनंद लिया करते थे। आज पिता के पास उतना समय नहीं है कि बच्चों के लिए दे पाए। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, बढ़ाकर मतलब समझे बंद करके। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, देखो गांव का खेल क्या क्या था बच्चों का। आज वीडियो गेम, कंप्यूटर पर, ये मोबाइल पर खेल, अब पहले बच्चों का खेल का क्या आनंद था सो देखो। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था, तिनके ले ले करके छप्पर बना देते थे। दातुन के खंभे बनते थे, दातुन आज ब्रश से धोते हो, पहले दतवन से लोग करते थे, मुंह धोते थे। दातुन के खंभे दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे, सलाई का जो डब्बा है उसी की पेटियों से दरवाजा बनाया जाता था। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, और घड़ा जो टूट गया तो ऊपर का जो पार्ट है वो चूल्हा का काम करता था। दिए की कढ़ाई, दीपक जो मिट्टी का है उसे ही कढ़ाई बना दिया जाता। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, आचमन करने के लिए जो लेते हैं हम लोग बर्तन पूजा में, आचमनी को ही कलछी बना देते थे। पानी के घी, घी क्या था, पानी से ही घी बनता था, पानी को ही घी बनाते थे लोग। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जीवनार करते थे, समझ रहे हो। और धूल से ही वो वस्तु बनाया जाता था अनाज का, और बालू की चीनी से हम लोग जीवनार तैयार करते थे, कलेवा तैयार करते थे, समझे। हम ही लोग जीवनार करते और हम ही लोग को जीवनार बैठती, हम ही लोग जीवनार करते और हम ही लोग की जीवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी, बनाना भी वही लोग और उस जीवनार को ग्रहण करने वाले भी वही लोग होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे साकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे, समझ रहे हो। पांत वो भी बैठ जाते, पिसान मतलब समझते हो ना, आटा को कहते हैं, बालू की चीनी। जीवनार बैठ जाते, जब पैंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, समझ रहे हो ना। जीवनार भोज करने का, भोज बनाना और भोज करना दोनों भी काम यही लोग करते थे, नाश्ता तैयार करते थे। जीवनार मतलब भोज बनाना, नाश्ता तैयार करना, कलेवा तैयार करना। तो इस प्रकार पिताजी किस तरह से साथ में उनके खेल में शामिल हुआ करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कुछ कुछ खेल का आनंद हम लोग भी लिए हैं और हम लोगों से आगे वाली पीढ़ी, हम लोगों से पहले वाली पीढ़ी पूरा इस तरह का खेल खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, समझ रहे हो, कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर समझ रहे हो, टीना। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की घिस का सहनाई बजाई जाती, अमोले आम का जो गुठली जो निकलता है, अमोले की को घिस का सहनाई बजाई जाती।
टूटी चूहेदानी की, पहले चूहेदानी भी लोग रखते थे, चूहा बहुत होता था, तंग करता था, तो चूहेदानी जो टूट जाती थी उसी को पालकी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। कुलिये मिट्टी का बर्तन एक होता है, कुलिये का कलसा रखा होता था, समझ रहे हो। और उसके देखो कि सब अनुपयोगी चीजें जो घर का टूटा फूटा है वही सब काम में आता था। वही पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो देख रहे हो ना, पिताजी हर खेल में शामिल हैं। कहाँ दुल्हन का खेल, कहाँ पंगत में लगना, कहाँ खरीदना सामान, हर जगह पिताजी खेल में शामिल होते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। घिरनी समझते हो, एक ऐसा रस्सी से बंधा हुआ होता था, बांस से लटका हुआ, उससे पानी खींचा जाता कुआं का, और घिरनी बन जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते लग जाते हैं, समझे। दो लड़के मिलकर मोट खींचने लग जाते हैं। एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, मिट्टी का वो मेड़ जैसा बना दिया जाता, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं, गाड़ी खींचने के लिए, भार खींचने के लिए। चबूतरा खेत बनता, समझे ना, हल वाला जो काम है, खेती करना है ना, तो खेती का काम कर रहे हैं किस तरह से लोग। कंकर बीज और ठेंगा हल जुआठा बन जाता, कंकर बीज बनता और ठेंगा हल जुआठा बन जाता, समझ गए। और बड़ी मेहनत से खेत जोए जोए पटाते जाते और फसल तैयार होते देर लगे। हम हाथों फसल काटते समय गाते थे, ऊंचे ऊंचे नीच में बई की आरी, जो उपजी सो बई हमारी। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम दूसरे पाठ में तुम लोगों को पढ़ाएंगे।